मॉर्निंग, आज हम लोग नैरेशन के नियमों को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कैसे टेंस बदला जाता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे प्रोनाउन चेंज किया जाता है, इन्वर्टेड कॉमा को कैसे हटाते हैं और इंपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलते हैं। जैसा कि मैं बताया था कि डायरेक्ट नैरेशन से इनडायरेक्ट नैरेशन में बदलने के दो नियम होते हैं, एक जनरल रूल्स और दूसरा स्पेशल रूल्स। जनरल रूल्स के अंतर्गत हम लोग रूल वन में जाने थे कि रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में। सेड को हम बदलते नहीं है, इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर डायरेक्ट लिखते हैं। और उस थ्री में हम लोगों ने सीखा था SON/1-2-3, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस रहे तो हम उन्हें बदलते नहीं। आज रूल फोर हम लोग सीखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को ध्यान में रखकर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को ध्यान में रखकर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलते हैं। इसके लिए आपको जानना होगा PR/N, F/N, PA/PA, ये अगर केवल बात आप जान जाते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना। ये PR/N, F/N और PA/PA है क्या? सबसे पहले हम PR/N के बारे में बताते हैं। PR/N का मतलब है जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहे, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते। जब देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे, यानी PR/N। PR/N का मतलब क्या हुआ? तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम बदलते नहीं। अब जैसे एग्जांपल भी हम लोग देखते हैं,
डायरेक्ट नरेशन में दिया हुआ है कि ही सेड टू मी, सॉरी अगर डायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ हो ही सेड टू मी और इधर दिया हुआ है कि आई आई एम प्ले, ही सेड टू मी आई एम प्लेइंग को हमें इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है, जैसा कि आप पीछे सीखे हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम बदलते हैं तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे, सेड टू को हम बदलेंगे टेल्स में, ही टेल्स मी, उसके बाद इस कॉमा और इस इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं और डैट लिखते हैं। आपने रिपोर्टिंग वर्ब को टेल्स में बदला, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर डैट लिखा। अब हम देखते हैं कि आई फर्स्ट पर्सन है, यानी एस ओ एन बाई वन टू थ्री, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये आई ही के अनुसार बदलेगा और ये ही होगा। अभी हमने कहा पी आर आई एन, यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब ये प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम बदलते रहे हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो भी टेंस होगा उसी टेंस में हम नीचे रख देंगे। बस यही करेंगे कि आई के साथ एम था तो ही के साथ इज हो गया और ये हो गया ही इज प्ले। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और बदलने के बाद भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही रहा, टेंस नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का हम टेंस नहीं बदलते हैं, जो टेंस होगा वही टेंस को हम इनडायरेक्ट नरेशन में रख देंगे। अब हम देखते हैं एफ बाई ए, एफ बाई एन का मतलब हुआ जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। यदि दिया गया है कि अचला विल से आई आई एम गोइंग टू स्कूल, अचला कहेगी मैं विद्यालय जा रही हूं। अब इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम बदलें तो रूल वन, अचला विल से का से होगा, इनवर्टेड कॉमास को हटाकर डैट लिखेंगे, रूल टू हुआ, और रूल थ्री एस ओ एन बाई वन टू थ्री, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो आई अचला के अनुसार अचला गर्ल है, अतः हम सी लेंगे
और ये आइस अचला के अनुसार यहां उसका प्रोनाउन सी हो गया। अचला विल से डैट सी। अब ये जो टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब का वो फ्यूचर है, और अभी हम लोग जाने कि जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का हम टेंस बदलते नहीं है। हम बस यही करेंगे कि आई के साथ एम है तो सी के साथ हम इज कर देंगे। ये हुआ सी इज गोइंग टू स्कूल। अभी आप दो चीज सीखे, पहला है आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट डी आई एन प्रेजेंट और एन रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम बदलते नहीं। जैसे यहां देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला, यहां भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहां भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। उसके बाद एफ बाई एन में आपने सीखा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो परिवर्तित नहीं होगा, नहीं बदलेगा, यानी एफ फ्यूचर टेंस एन नो चेंज। यहां विल से ये रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, इधर जो है रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब नहीं बदला, यानी टेंस नहीं बदला, टेंस हम नहीं बदले, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस वही रह गया। बस यही हमने किया क्योंकि सी है यहाँ, यहाँ आई है, आई के साथ एम है तो सी के साथ ई हुआ। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लेते हैं पाप आई पा, तो पा बाई पा यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच भी निम्न प्रकार से पास्ट टेंस में बदल जाए। पा बाई पा का मतलब पा यानी पास्ट, अपा पास्ट पास्ट पास्ट, लेकिन इसके लिए कुछ नियमों को जानना हो। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होता है, लेकिन कैसे होगा तो इसके लिए आपको एक आसान फॉर्मूला, आसान सूत्र आपको याद करना होगा। मेरे शब्दों में ये पापा का नियम, पापा तो पापा की बात माननी होगी, पापा की कुछ शर्त है। कहते हैं कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच को बदलना कैसे, 1/5, 2/6, 3/7, 4/8, 5/7, 6/8, 7/8, 8/8, ये पापा के नियम है। ये पापा के नियम को आपको सीखना होगा। वन बाई फाइव, टू बाई सिक्स, 3/7, 4/8, 5/7, 6/8, 7/7, 8/8। अब ये 1/5, 2/6, 3/7, 4/8, 5/7, 6/8, 7/8,
बाई सेवन एट बाई टेन क्या है? तो ये टेंस को इंगित करता है। अब वन का मतलब है प्रेजेंट इन डिफिनिटिव टेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि जिसमें वर्ब वन या वर्ब फाइव रहे वो प्रेजेंट इन डिफिनिटिव टेंस होता है। इसको हमें बदलना है फाइव यानी पास्ट इन डिफिनिट टेंस। पास्ट इन डिफिनिट टेंस में वर्ब का दूसरा रूप होता है, सेकेंड फॉर्म होता है वर्ब का। तो आपने वन बाई फाइव के बारे में जाना, वन यानी प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस, टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थ्री प्रेजेंट परफेक्ट, फोर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फाइव पास्ट इंडिफिनिट टेंस, सिक्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सेवन पास्ट परफेक्ट टेंस और एट हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी फोर। तो अभी हमने बताया कि वन बाई फाइव यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदलेंगे। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट ये राइट वर्ब वन है, इसका मतलब कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है और ये बदलेगा पास्ट इंडिफिनिट यानी वर्ब टू क्रिया का दूसरा रूप। तो राइट का रूट और लेटर यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट को हमने पास्ट इंडिफिनिट में बदल दिया वन बाई फाइव। अब टू बाई सिक्स ये टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज आर एम प्लस वर्ब फोर होता है, इसे हमें सिक्स में बदलना है। सिक्स यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इज आर एम ये बदल जाएगा वाज या वेयर में और ये वर्ब फोर हो जाएगा। तो इज आर एम प्लस वर्ब फोर को बदल दिए वाज वेयर प्लस वर्ब फोर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदल गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल देखा जाए डायरेक्ट नरेशन में दिया हुआ है ही said I am playing cricket, indirect narration में बदलेंगे तो ही said का said होगा, inverted commas को हटाएंगे that लगाएंगे, I first person subject के अनुसार बदलेगा ही होगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो पा बाई पा पापा का नियम लगेगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है यानी ट्रू है तो सिक्स में बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में। अब ये हो जाएगा वाज प्लेइंग क्रिकेट। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने बदल दिया टू को सिक्स में। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये बदल गया पास्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से थ्री बाई सेवन थ्री प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव होता है प्लस वर्ब थर्ड होता है और इसे हम बदलेंगे सेवन सेवन यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड और प्लस वर्ब थर्ड हो जाएगा यानी 3/7 का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में। और एग्जांपल डायरेक्ट नरेशन में दिया है ही सेड आई हैव टेकन टी। इनडायरेक्ट नरेशन में हम जब बदलेंगे तो होगा ही सेड का सेड होगा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैड आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया है जो है ही हो गया और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो पापा का नियम लगेगा और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा यानी 3/7। तो यहां पर ही के साथ हो गया हैड टेकन टी यानी रिपोर्टिंग वर्ब को जैसे ही हमने पास्ट टेंस में देखा हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि हमने पापा का नियम 1/5, 2/6, 3/7। तो ये जो 3 यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वर्ब थर्ड है हम इसे पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड वर्ब थर्ड में बदल देंगे। तो ये हो गया ही सेड दैट ही हैड टेकन टी। फोर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें हैज और हैव प्लस बी प्लस वर्ब 4 होता है इसे बदलेंगे 8 यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 4 डायरेक्ट नरेशन में दिया हुआ है ही सेड टू मी यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours इसे इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम बदलेंगे तो सेड टू को टोल्ड में इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर डैट में यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा आई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो पापा का नियम लगेगा और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और होगा आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बदल गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब 5/7 डायरेक्ट नरेशन में दिया हुआ है कि ही सेड
me, you, it, a man, indirect narration में आप जब बदलेंगे तो ये reporting verb से क्यों बदल गया told में inverted commas के को हटाएंगे और डायरेक्ट लिखेंगे यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा आई होगा। अब हमने कहा रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है तो पास्ट टेंस में है, जब पास्ट में है तो पा बाई पा पापा और पापा की बात मानेंगे क्या, 1/5, 2/6, 3/7, 4/8, 5/7, 6/8, 7/7, 8/8। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 5/7 यानी ये पास्ट इंडिफिनिट वर्ब टू है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडिफिनिट है तो ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे तो ये होगा हैड और थर्ड फॉर्म, हेड का थर्ड फॉर्म हो गया ईटन, तो हो गया आई हैड ईटन ए मैंगो। समझ में आ रहा है पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है। अब ये 6/8 को देखिए, 6/8, 6 का मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी वाज और वेयर प्लस वर्ब फोर। अब इसे बदलना है एट में यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी ये होगा हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर, यानी 6/8 का मतलब हुआ क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें बदलना है। अब हम देखते हैं डायरेक्ट नरेशन में दे रहे हैं राजीव से आई वाज सिंगिंग ए सॉन्ग राजीव ने कहा मैं गीत गा रहा था। इनडायरेक्ट नरेशन में हम जब बदलेंगे तो ये राजीव सेड का सेड हुआ, इनवर्टेड कॉमा के लिए डायरेक्ट हुआ, आई फर्स्ट पर्सन राजीव के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा ही होगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो पापा का नियम लगेगा, अब पापा का नियम लगेगा तो याद करेंगे देखेंगे 1/5, 2/6, 3/7, 4/8, 5/7, 6/8, तो 6/8 यानी पास्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यानी हैड बी वर्ब को, तो ये हैड बी आई ए सिंगिंग वर्ब को है आई ए सॉन्ग को, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमने बदल दिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 7/7 मतलब 7 यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, अब पास्ट परफेक्ट टेंस वो समझ गए होंगे कि हैड प्लस वर्ब थर्ड, तो ये उसी में 7 में ही रह जाएगा, ये 7 को 7 नहीं यानी हम इसे बदलते नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं रहेगा। 7/7 मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में ही होगा यानी वही हैड प्लस वर्ब थर्ड रह जाएगा, हैड प्लस वर्ब थर्ड, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे दिया हुआ है डायरेक्ट नरेशन में कि आई सेड टू हर यू हैड
इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे आई सेड टू को टोल्ड में, आई टोल्ड हर इंपॉर्टेंट कॉमा को हटाएंगे डैट में, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हर के अनुसार बदलेगा सी, और ये जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो पापा का नियम 1/5, 2/6, 3/7, 4/8, 5/7, 6/8, 7/7, 8/8, तो ये 7/7 यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, वही टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस ही, और हो गया सी है टेकन। इसी तरह से 8/8 यानी 8 का मतलब हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे पहचानेंगे, तो हेड होगा, बीन होगा और वर्ब फॉर्म होगा। जब ये रिपोर्टेड स्पीच में रहे तो इसे भी हम बदलते नहीं है, वो भी 8 में ही हो जाएगा, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही रह जाएगा, यानी वही स्ट्रक्चर होगा हैड बी वर्ब फॉर्म। 8/8 का मतलब हुआ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहने देते हैं, उसे बदलते नहीं। यदि दिया है डायरेक्ट नरेशन में ही आई सेड, ही हैड बीन रीडिंग फॉर टू डेज, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है तो आई सेड, सेड का सेड ही हो गया, इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट हो गया, ही थर्ड पर्सन, तो पढ़े हैं आप एसओएड बाय 1, 2, 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ये थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, वही ही का ही कर दिया। और अभी आपने पापा के नियम में पढ़ा कि 8/8 यानी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैड बीन वर्ब फॉर, वही हैड बीन वर्ब फॉर ही रह जाएगा, यानी इसे भी बदलेंगे नहीं, तो ये 8/8 हो गया, ही हैड बीन रीडिंग फॉर टू डेज। तो पापा की आपने ये बात मानी, मेरे शब्दों में पापा का नियम, यानी पा बाई पा मतलब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के भी टेंस को बदलेंगे, उसे भी पास्ट में करेंगे, लेकिन कुछ नियम है, 1/5, 2/6, 3/7, 4/8, 5/7, 6/8, 7/8, 8/8, ये नियम आपको याद रखना है, 1/5, 2/6, 3/7, 4/8, 5/7, 6/8, 7/7, 8/8, अगर ये आप याद रखते हैं तो टेंस बदलना आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर से एक बार दोहरा लीजिए, 1/5 मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट, इधर देखिए ये पांच उंगलियां हैं, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट इंडिफिनिट, और इधर से तीन उंगलियां ले लीजिए, ये पास्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट परफेक्ट और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट बदलेगा पास्ट इंडिफिनिट में, यानी 1/5, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी 2/6, प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, यानी 3/7, और
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी 4/8। अब उसी तरह 5/7 पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस, 6/8 यानी पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उसके बाद जब ये सीख गए हो तो अब हम देखेंगे पापा की दूसरी बात, टेंस बदलने के लिए पापा यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगा। इसके लिए हमें यह भी याद रखना होगा कि अगर कैन है तो उसे कूड में बदलेंगे। लेकिन जब कूड है तो वो कूड ही रहे, मे को माइट में बदले। अब माइट अगर है तो उसे माइटे रहने दें। शैल को सूड में बदले, असूड अगर है तो उसे सूड में ही रहने दें। वील को ऊड में बदलेंगे, अब ऊड अगर है तो इसे ऊड ही रहने दें। यूज टू में ही रखेंगे। ऑट टू को ऑट टू में ही रखेंगे। हैड टू या हैव टू को टू में बदलेंगे। और अगर हैड टू है तो इसे हैड हैड टू में बदलेंगे। मस्ट से जब कर्तव्य का बोध होता हो, ड्यूटी हो, तो ये मस्ट मस्ट में ही रहेगा। लेकिन जब मस्ट से बाध्यता हो, मस्ट से जब बाध्यता हो, कंपल्शन हो, बाध्यता जब होगी तो इसे हम मस्ट को है टू में बदल देते हैं। फिर से याद कर ले, देख ले, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे और रिपोर्टेड स्पीच में कैन हो तो कूड में कूड को, कूड में को, माइट में माइट को, माइट में सेल को, सूड में सूड को, सूड में वील को, उड में उड को, उड में यूज टू को, यूज टू में, और टू को अट टू में, हैड टू हैड टू को हैड टू में, और हैड टू को हैड हैड टू में। मस्ट को मस्ट में रहने देते हैं जब कर्तव्य का बोध होता हो तब, लेकिन जब बाध्यता का बोध होता हो, विवशता हो, बाध्यता हो, तो उस समय हम मस्ट को हैड टू में बदल देते हैं। जैसे देखिए डायरेक्ट नरेशन में दिया हुआ है, ही सेड आई कैन डू इट, अब हम इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम बदलेंगे तो होगा ही सेड का सेड हुआ इनवर्टेड कॉमा हटा दिए, डैट लिख दिए, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो पापा का नियम लगेगा। अब पापा का नियम क्या है तो पहले बता दिए, 1/5, 2/6, 3/7, 4/8, 5/7, 6/8, 7/7, 8/8। और फिर हमने बताया क्या कि ये जो अगर कैन है तो उसको कूड में, लेकिन कूड रहे तो कूड में ही रहेगा। मे को माइट में, माइट माइट ही रहेगा। सैल को सूड में, सूड सूड ही रहेगा। वील को उड में, उड उड ही रहेगा। मस्ट से जब कर्तव्य का बोध होता हो तो मस्ट ही रहेगा, लेकिन
बाध्यता आती हो, बाध्यता का बोध होता हो तो उस समय हम हेड में बदलते हैं। तो यहां पर कैन है तो क्या हमने बताया, कैन को कूड में बदलते हैं। तो आप वी से बदलिए, ये कैन बदल गया किस में, तो कूड में। अब लिख लीजिए कूड डू इट, इट थर्ड पर्सन नो चेंज, तो इसे दैट ही कूड डू इट। तो आज हम लोगों ने टेंस बदलना सीखा। अब आगे जो हम लोग सीखेंगे वो अन्य भी अगर शब्द है, जैसे यस्टरडे है, टुमारो है, टुडे है, दिस है, दीज है, दोज है, ये कैसे हम बदलेंगे ये आप आगे कल सीखिएगा।